एसपी साहब मामला ठीक करें यहाँ पे। सर एक कमरा बटू ये जो शिकायतें कब्जे की आ रही हैं और ये जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे नजर आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है मेहरबानी करें। कमरा मैंने गिराने के लिए कहा। आपने गिराया क्यों नहीं जाके और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिन्होंने बनाया है? लिखा आपने क्यों है? जब आप पटवारी के पास मामला भेज रहे हैं इसका मतलब है कि गड़बड़ है। मैं पटवारी के पास नहीं भेज रहा सर। वेरीफाई तो किसका कब्जा था? अभी पटवारी नहीं आ रहा सर, पटवारी को बुलाया, सख्ती से बुलाया। डीएसपी साहब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मुझे नजर आ रहा है चीजें जो हो रही है। वो कमरे से खलोते हैं, उसे डकैतियां करा रहे हो, नामजद करा रहे हो, सीरीज चल 15 बढ़ गई। वन फाइव इसलिए कि उसको मिसयूज किया जाए। वो उसके घर में 15 पे रेड कर रहा है, ये इसके घर में कब्जा करवा रहा है 15 की कॉल पे, वो 376 511 हो रहा है 15 की कॉल पे। रियाज साहब सर मौके पे, ये खुदाबर से मौके पर खड़ा है, फिर ये उनके साथ खड़ा है कब्जा के लिए, फिर हमारे दो बंदे अपने डाले में लेके थाने आ गया है, उनको हमने हवालात में बंद कर दिया है। इसको बुला ले जी अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डीएसपी फारूक को, कहीं इधर पहुंच जाए शाम, अभी पहुंच के इन तीनों केसेस पे मुझे रात तक इंक्वायरी करके देगा। आपने वेरीफाई किया कि किसका कब्जा? सर ये बिल्कुल वेरीफाई हुआ है। वेरीफाई तो किसका कब्जा था? अभी पटवारी नहीं आ रहा सर, पटवारी को बुलाया, सख्ती से बुलाया। डीएसपी साहब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मुझे नजर आ रहा है चीजें जो हो रही है। मुझे पता है सर, मैं डीजी काउंटर सर। हां जी पर्चा करें, अरेस्ट होने चाहिए वो, ठीक है। और अभी शाम तक होगा, डीएसपी साहब जरा मेहरबानी करें, ये कब्जे नहीं कहा नहीं है आपने, एक मिनट सब्र करें। लिखा आपने क्यों है? जब आप पटवारी के पास मामला भेज रहे हैं इसका मतलब है कि गड़बड़ है। मैं पटवारी के पास नहीं भेज रहा सर। पर 3000 इसी के पे हुए हैं। जी सर, जी सर, शाम तक एफआईआर होगी सर, हो गई रजिस्टर, मुलजम गिरफ्तार होना चाहिए सर। मुझे आने दे दो, आने भी दे दो सर। आपने जाना भी नहीं, अब हमें जाएं, ये कब्जा भी खाली करा के, जो उसने कब्जा गलत किया है पर्चा भी होगा। जब आपको पता है गलत वो कब्जा कर रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं रोका आपने? आपको किसने मना किया था सर? वो बदमाश है। आपको किसने मना किया था उस वक्त? कौन गया था मौके पे? आपको कितने अरसा पहले इनका मामला मिला? सर जी मेरे पास है, मैंने उनको बुलाया था दूसरे फरीकों को, ये डीपी मैंने पहले वो ठेकेदार था जिसका भाई बता रहे हैं कि उनसे वेरीफाई किया, दूसरे लोगों को भी बुलाया था मैंने मौके पे, और उस बंदे को मैंने कहा ये कब्जा छूना, फिर ऐसे जी साहब को भी नोटिस मिल गया था। तो फिर वहाँ पे उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, एफआईआर क्यों नहीं की? अब इसमें इनका ये है कि आपस को छोड़े उन्होंने गिरफ्तार की छोड़ी सही है, उधर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और एफआईआर क्यों नहीं की? आपको किसने रोका था इससे, किसने मना किया था? फिर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूं अगर आप नहीं बताएंगे कि आपको किसने मना किया था? कमरे को मिसमार कर दे उसके बाद फैसला करें। तो ये देखना था ना कमरा बनाया क्यों है? एसपी साहब मामला ठीक करें यहाँ पे। सर एक कमरा बटू जाए, जो शिकायतें कब्जे की आ रही हैं और ये जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे नजर आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है मेहरबानी करें। कमरा मैंने गिराने के लिए कहा। आपने गिराया क्यों नहीं जाके और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिन्होंने बनाया है? वो ठेकेदार से कंफर्म कर रहे हैं कि इसको जमीन उन्होंने ठेके पे दी है। 10 साल पे सर, ठीक है 10 साल हो गए। फिर उसके बाद क्या डाउट रह गया कि आप पटवारी को भेज रहे हैं और वो निशानदेही करा रहे हैं? नो नो, आज ये कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ठीक है। और ठीक सर, आपको शक है इसमें? आज ही पर्चा और अरेस्ट शाम तक।